चलें आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके ऊपर ये फूल के डिज़ाइन और पत्तियाँ वगैरह किस तरह बनाते हैं इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह का बेसिक डिज़ाइन बनाना है पत्तियों का, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, एलिप्स लेंगे और एलिप्स लेके यहाँ पे से इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, और इसको भी क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो हमारे सामने ये दोनों इस तरह का मामला सामने आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ से लेना है एक रोटेशन टूल, और रोटेशन टूल लेके इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे। रोटेशन टूल लेके ऑल्टर के साथ यहाँ बैस पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे 45 डिग्री पे इसको कॉपी ले लेंगे। फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद रोटेशन टूल लेंगे, और फिर इसके बेस पर रख के -45 डिग्री के ऊपर इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि हमने जो है ना फिर इसकी एक डुप्लीकेट कर लेनी है। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और उसको एक डुप्लीकेट ले लिया, फिर इसमें से हमने ये साइड वाला निकाल देना है। तो ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन इजीली बन जाएगा। फिर हमने इसमें कलर वगैरह जो भरना है भर लें, उसको ग्रुप कर लें। उसके बाद इस सर्किल पे ऐसे के रसे राउंड करेंगे, तो फिर आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक सर्किल बना लेते हैं 200x200 का। जैसे हम सर्किल बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करके सर्किल को उठा के यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ इसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है। इसको रैप अप करने के लिए, आप इसको लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से, साइज़ जो रखना है रखने के बाद इस सर्किल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ले आएंगे। लाने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे। करने के बाद इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से पकड़ेंगे, और यहाँ से पकड़ के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से इसके पॉइंट से मिला देंगे, समझ में आ रही है बात। फिर आप क्या करेंगे, फिर रोटेशन टूल लेंगे ये वाला, और क्लिक करके रोटेशन टूल लेने के बाद इस सर्किल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और उस पर जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, अल्टर का बटन दबा के रखेंगे, अल्टर प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा आगे निकालेंगे। अब जितना आगे निकाल लें स्पेस के हिसाब से निकाल के छोड़ देंगे, फिर अल्टर भी छोड़ देंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, नहीं हुआ सही तरीके से, ठीक है। अभी क्यों नहीं हुआ सही तरीके से, हमने सिलेक्शन टूल ले लिया, असल में सिलेक्शन टूल नहीं लेना था, बल्कि हमें लेना था रोटेशन टूल। दोबारा से शुरू करते हैं इस काम को, सेट कर दिया, क्लिक किया, रोटेशन टूल लिया, रोटेशन टूल लेने के बाद सर्किल का सेंटर निकाला, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऑल्टर का बटन दबा के रखा, और इसको इस तरीके से आगे ले आया, छोड़ दिया। अब कंट्रोल डी दबाएंगे, सही, मर्जी वैसे भी कर सकते हो, उसमें बीच में एक रखना पड़ेगा, घुमाओगे कैसे उसको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ ना, वो एक टेक्निक भी है, दूसरी टेक्निक है। अब इसको हाफ करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, और इसमें से जितना हिस्सा निकालना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो हिस्सा इसमें आएगा उसको डिलीट कर देंगे, इस तरह से। डिलीट करने के बाद इसके आगे वाला ये जो हिस्सा आया इसको क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। अब रहेगी आगे वाला किससे पे एक पत्ती चाहिए, तो इसको एक डुप्लीकेट ले लेंगे, यहाँ से अलग से कोई पत्ती ले लेंगे डुप्लीकेट, और फिर उसको इस तरह से घुमा के इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से ये आपका एक टूल बन जाएगा। अब सपोज सुबीन सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद ऐसे ही एक और पार्ट हमें चाहिए इस साइड पर, तो यहाँ क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन टूल लेंगे यहाँ से। रिफ्लेक्शन टूल लेने के बाद ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करके कॉपी लेंगे तो ये देखें इसके बराबर में इसका एक और पार्ट आ जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को अब यहाँ से हम ले लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और ये ऊपर नीचे हो गए शायद, तो फिर इसका बेस पॉइंट सेम कर लेते हैं, दोनों सेम हो गए। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और इनको हम यहाँ से ऑल्टर के साथ अलग कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ इनको इस तरह से छोटा कर देते हैं, और ले जाके अपने लोगों के इधर सेट कर देंगे।
ठीक है। अब अगर इसके ऊपर रखना चाह रहे हो तो भी ठीक है, इसके बीच में रखना चाह रहे हो तो शिफ्ट के साथ और छोटा करो इसको, और उसको पकड़ के थोड़ा सा अल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे भी रख सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल में ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि ये इसके हिसाब से ही पूरा बन जाए, है जैसा शेप है वैसा पत्ती बने, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस शेप के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं उस शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लें, उसके बाद उस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चला के एक हिस्से को तो डिलीट कर दें। अब जो एक हिस्सा बच गया है, अब आपने क्या करना है, यही फूल की पत्तियाँ लेनी है, इन्हीं फूल की पत्तियों को इस तरह से ग्रुप करके ले आना है एक और अलग तरीके से अलग जगह पे, और उनको इस तरतीब में रखना है। अब ये तरतीब कैसे बनेगी, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे इसको बंद कर दें, और अल्टर के साथ इसकी एक कॉपी ले लें और उसके साथ इस तरह से लगा दें, कंट्रोल डी दबा दें, जितनी बड़ी बनाना चाह रहे हैं उतनी बड़ी बना लें। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? और बड़ा करना है और बड़ा कर लें। उसके बाद क्या करें, ये ब्रशेस का पैनल एक्टिवेट होगा विंडोज में जाके, यहाँ से इस पर क्लिक करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है, इसको पकड़ना है और पकड़ के ला के इस पर यहाँ ऐड कराना है, ऐड करा के इसको आर्ट ब्रश पे क्लिक करना है और इसको ओके करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको रखना है स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ पे और इसको क्या कर देना है, ओके, ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, जिस शेप पे लगाना है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। सही, समझ में आ गई बात? ये आप क्या करना है, आप बस इस शेप को जिस शेप पे लगाओगे उस पर वैसे ही लग जाएंगे, सर्किल पे लगाओगे सर्किल पे और जो टेढ़ा मेढ़ा जो भी शेप लेंगे। अब क्लिक करेंगे इसके ऊपर, सिलेक्शन टूल लेंगे शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बेस बनाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, उसके बाद इसको पकड़ेंगे और इस पे ला के फिट कर देंगे इस तरीके से। हो गया पूरा फिट? हाँ। इसके बाद इसी का लेंगे रिफ्लेक्शन और बेस पॉइंट पे लगाएंगे, ये लेंगे कॉपी ले लेंगे इसकी। ठीक है, अब बीच वाला मामला नहीं समझ में आ रहा, इसको हटा दो, ये सही है, थोड़ा थोड़ा दूर करना चाह रहे हो थोड़ा थोड़ा दूर कर दो इनको। समय बाद अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप का डेस्कटॉप का जिसमें सीपीयू एलसीडी कीबोर्ड इसका लोगो आपने खुद बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना और लगा के इसके अंदर लगा, या तो लैपटॉप बनाओ या सीपीयू एलसीडी कीबोर्ड माउस।